है जो आपको सिखाया है अभी, बिल्कुल उन्हीं चीजों का प्रयोग किया है अभी हम। देखिए क्या किया है, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, पास नहीं थी, अभी बताएं आपको, पास थी, हैड वाला, और हैड वाला में जब नॉट लग जाता है, नहीं लगता है, तो डिड हैव हो जाता है, ठीक है, डिड नॉट हैव, क्या करेंगे हम लोग, आई डिड नॉट हैव अ कार, इन सब के साथ लगाएंगे डज को, इन सब के साथ डू को, और इस सब बाकी सब के साथ कब, हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, वैसे ही डिड सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, अगर पास्ट था रहेगा तब, यानी प्रेजेंट टेंस का नहीं पास्ट टेंस का बोध कराएंगे तब। वेलकम बच्चों, आज अपने स्पोकन के लिए सेकंड क्लास है और हम लोग इसमें सीखेंगे कुछ नए स्ट्रक्चर के बारे में जो आपको स्पोकन के लिए इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगा नए नए सेंटेंस बनाने के लिए। तो आज का अपना स्ट्रक्चर क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर होगा, इन सब के साथ लगाएंगे डज को, इन सब के साथ डू को, और इस सब बाकी सब के साथ कब, हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, वैसे ही डिड सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, अगर पास्ट था रहेगा तब, यानी प्रेजेंट टेंस का नहीं पास्ट टेंस का बोध कराएंगे तब। इफ सेंटेंस इंडिकेट्स पास्ट टाइम, ओके, देन वी विल यूज हैड, एंड इफ वी आर मेकिंग द सेंटेंस इन नेगेटिव, ओके, देन वी विल यूज डिड, हैज और हैड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना जी, हैज हैव और हैड, इसमें बता रहे हैं आपको हैज और हैव यूज किया जाता है पास है के सेंस में, ठीक है ना, और ये होता है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट का होता है, और हैड जो होता है इसको प्रयोग करते हैं पास था के सेंस में, है ना, इसको प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में है, हैज हैव इसका प्रयोग करते हैं पास है के सेंस में, और ये क्या है पास था, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग पास था के सेंस में जो कि पास्ट टेंस में चला जाता है, ठीक है। अब सेंटेंस में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है STRUCTURE, और ये स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सॉरी सॉरी, हैज हैव और हैड, ओके, दीज आर, दिस इज आवर स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज हैव एंड हैड, लास्ट में आएंगे प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या बेसिकली नाउन ही आता है, ठीक है, और अगर भी थ्री आता है तो वर्ब आता है तो वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, है ना, अगर वर्ब आता है, इन द केस अगर वर्ब आता है तो हम लोग वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर वर्ब का तीसरा रूप नहीं लगाएंगे क्योंकि हम अभी उस चीज़ को सीख नहीं रहे हैं, ठीक है, जब हम टेंस पढ़ेंगे और ग्रामर में, या इसमें भी जहाँ आवश्यकता पड़ेगा हम बता देंगे आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। तो ये स्ट्रक्चर है अपना, अब जानना क्या है कि हैज हैव और हैड का यूज कैसे करेंगे, किसको किस सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, चूंकि सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा ये तीनों चीज़ें, ठीक है, अदर वर्ड में जो रहेगा वो तो लगा देंगे, लेकिन ये जो सब्जेक्ट के बाद हैज आए पहले या हैव आए या हैड आए, इसको समझने के लिए हम लोगों को एक छोटा सा नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है, नोट क्या है भाई, स्टार देख लिखिए, हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, अगर हैज के प्रयोग करना होगा कब, जब सब्जेक्ट के रूप में ही रहे, सी रहे, इट रहे या सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, ठीक है, हैज का हो गया तो हैव का पढ़ लेते हैं, हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट रहे तब, प्लूरल सब्जेक्ट रहे तब करते हैं किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग, है ना, ये दोनों कहाँ हो गया, प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में तो एक ही वो है, तो हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, समझे क्या, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं है तो होनी भी नहीं चाहिए। ये रहा आपका नोटाबेन, जिसको आप याद कर सकते हैं, नोट है ना, स्टार देख लिखे हैं हम, इसको आप याद कर सकते हैं।
कर सकते हैं, नहीं ध्यान में रखना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो नहीं बनेगा फिर। ये किसके लिए है? ये स्ट्रक्चर था आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। किसके लिए? अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए ये स्ट्रक्चर था, यानी वाक्य सकारात्मक रहे तब, लेकिन नकारात्मक आ जाए, निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग? निगेटिव के लिए, निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा अपना? उसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा अपना सब्जेक्ट प्लस डू, डज, डू प्लस सॉरी डू डज या डिड प्लस में नॉट, प्लस में हो जाएगा हैव, प्लस में अदर वर्ड जो आएगा उसको लगा देंगे हम लोग। कोई दिक्कत है आप लोगों को? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर जो डू डज डू डिड लगाए हैं इसमें कुछ समझना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी लगाए थे हैज हैव हैड, तो इसके साथ लगा देंगे हम लोग किसको, सॉरी हैव, डिड एंड हैव, लाइक दिस, लुक एट दिस, हैज हैव एंड हैड, ओके। और जब यहाँ पर हैज हैव हैड लगा दिए तो यहाँ पर हैव क्यों आया है? क्योंकि इसको गायब हमको लोग किए हैं, और चूंकि ये सब फॉर्म आ गया, भव वी वन वी टू वी थ्री आ गया जो भी है, तो इसके बाद फिर हम लोग भव का पढ़कर रूप लगाएंगे जो हैव होता है, ओके। इतना अगर आप लोग समझ चुके होंगे तो चलिए एक प्यारा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, क्या, चूंकि बिना एग्जाम्पल के बात क्लियर नहीं होती है। जैसे यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं यहाँ देखते हैं, जैसे कि राम के पास गाय है, ओके, और मेरे पास गाय थी। अब देखिए यहाँ पे पास है, पास है और पास थी, समझ रहे हैं ना, राम के पास, राम एक नाम है, सिंगुलर नाउन है, क्या करेंगे, राम, राम के साथ लगाएंगे हैज का प्रयोग, राम हैज हो गया ना, उसके बाद जो भी आए अदर वर्ड गाय आ गया तो कर देंगे गाय, काऊ हो गया, राम है जकाऊ, मेरे पास गाय थी, आई थी है, बस क्या करेंगे हैड का प्रयोग कर देंगे। इसमें देखना नहीं है कि हैड लगाए हैव लगाए, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आई हैड अ काऊ। लेकिन जब इसी में निगेटिव रहना हो, राम के पास गाय नहीं है, राम के पास गाय, राम के पास गाय नहीं है या नहीं थी, तो क्या करेंगे अब यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर इस सेंटेंस से इसमें करना होगा, सिंपल सा हैज हैव को मिटाएंगे, ठीक है, इसको मिटा दिए पूरा, और राम के साथ लगाएंगे क्या, देखिए इस वाला में लगाएंगे डज, राम चूंकि है ना जी, तो डज राम, डज नहीं के लिए नॉट, और लास्ट में हैव अ काऊ, राम डज नॉट हैव अ काऊ, वेरी सिंपल। उसके बाद यहां पर फिर आई डिड नॉट, डिड क्यों, क्योंकि यहां पर अपने पास थी है, यानी पास्ट का इंडिकेट कर रहा है, तो आई डिड नॉट हैव, नॉट बोले आएंगे ना नहीं के लिए, आई डिड नॉट हैव अ काऊ, कितना सिंपल है ना, एकदम सिंपल है। अब चलिए थोड़ा सा सेंटेंस बनाते हैं, है कि नहीं, अब थोड़ा सा सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं, ये तो सिंपल सेंटेंस था ना, अब थोड़ा पैराग्राफ लिखते हैं, बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं, और तब देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग बोलने में यूज करेंगे, इसी चीज इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके हम लोग बोलना सीखेंगे, और वो अब देखेंगे हम लोग कि कैसे बोलना है, ओके। तो इसको इरेज कर लेते हैं एक बार, हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर देखा, ओके, हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर देखा, और इसके
हेल्प से हमने एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लिखा। देखिए इतना बड़ा सा एक स्टोरी टाइप का लिख दिया है पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ को जो इतना बड़ा सा पैराग्राफ हमने देख रहा है आपने देखा, इसको ट्रांसलेट भी कर दिए हम, और नो डाउट आप भी कर देंगे, है ना। इसमें कुछ नहीं नया है, जो आपको सिखाया है अभी बिल्कुल उन्हीं चीज़ों का प्रयोग किया है अभी हम। देखिए क्या किए हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, पास नहीं थी, अभी बताएं आपको, पास थी, हैड वाला, और हैड वाला में जब नॉट लग जाता है, नहीं लगता है तो डिड हैव हो जाता है, ठीक है। डिड नॉट हैव क्या करेंगे हम लोग, आई डिड नॉट हैव अ कार, क्या है, आई डिड नॉट हैव अ कार। यहां तक तो काम कंप्लीट हो गया अपना, यहां तक का काम कंप्लीट। अब क्या है, लेकिन, बट, है ना, बट अब नाउ मेरे पास गाड़ियां हैं, पास हैं, हैव, ठीक है, आई हैव कार्स हो गया, और मैं और नई गाड़ी खरीद सकता हूं, और मैं और नई गाड़ी खरीद सकता हूं, इसका मतलब क्या होगा, एंड आई आई कैन बाई मोर कार्स, और यहां पर मतलब क्या होता है, ज्यादा, ठीक है, जितना है उससे ज्यादा खरीद सकता हूं, उसके लिए करेंगे हम लोग मोर, ठीक है ना, इसका समझ याद रखिएगा लोग, मोर कार्स। फिर लिखे हैं लेकिन, बट अब मुझे गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए, बट नाउ आई शुड नॉट बाई कार, लेकिन अब मुझे गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि मैं गरीब हो जाऊंगा, हो जाऊंगा, कल बताए थे आपको, ठीक है, फर्स्ट क्लास में क्या बताए थे, विल बी सैल बी, तो क्या लगेगा, बिकॉज आई विल सैल बी पुअर, मैं गरीब हो जाऊंगा, इसलिए मुझे पैसा बचाना चाहिए, क्या, इसलिए मुझे पैसा बचाना चाहिए। आपको भी अपने घर पे कॉपी पेन लेकर बैठना है और लिखना है, अगर आप चाहते हैं बदलाव लाना अपने आप में, आप चाहते हैं समाज को ये दिखाना है कि बिहार के बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं, तब आपको कॉपी कलम लेकर बैठना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, और मिरर के सामने जाकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट इन स्पोकन, ओके। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ तक तो हो गया अपना पुअर तक, और फिर क्या बोल रहा है, हाँ, इसलिए मुझे पैसे बचाना चाहिए, सो आई शुड सेव मनी, इसलिए मुझे पैसे बचाना चाहिए, हो गया यहाँ तक। अब लेकिन मैं अमीर हूँ, लेकिन मैं अमीर हूँ, बट आई एम रिच, अगर मैं अमीर हूँ इसलिए मुझे गरीबों का सेवा करना चाहिए, आइडिया तो अच्छा है, करना भी चाहिए, तो क्या बोलेंगे फिर, सो आई शुड हेल्प या सर्व द पुअर, गरीबों का मतलब गरीब लोग का, गरीब लोग या अमीर लोग के लिए करते हैं, द रिच या द पुअर, हम लगा देंगे द रिच या सॉरी द पुअर, आई शुड हेल्प द पुअर, पुअर्स नहीं करेंगे, द पुअर कर देंगे तो पुअर लोगों का बोध हो जाएगा। यानी इस तरह से नई नई सेंटेंस, यू कैन ऑल्सो मेड सच काइंड ऑफ सेंटेंसेज। इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, बहुत टफ काम है, बिल्कुल नहीं, ऐसे सेंटेंस आप भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो घर पे, बशर्ते आपके अंदर लगन होनी चाहिए वो, ठीक है, वो आपको जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमको सीखना है, जुनून होनी चाहिए, वो जोश होनी चाहिए जो आपको कहे कि नहीं तुमको सीखना है तुम करो। आपको इतनी सेंटेंस जो मैंने लिखवाया, जो पढ़ाए हैं वही लिखवाए हैं, देखिए कितना बड़ा पैराग्राफ हो गया है, आप भी कर सकते हैं, अब इसको बोलना होगा, तो क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट हैव अ कार बट नाउ आई हैव कार्स, आई डिड नॉट हैव मतलब मेरे पास कार नहीं था और लेकिन अब मेरे पास कार है, आई कैन बाई मोर कार्स और मैं और भी कार खरीद सकता हूँ, बट नाउ आई सेल सॉरी नाउ आई शुड नॉट बाई कार, लेकिन अब मुझे गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि आई सेल बी पुअर, क्योंकि मैं गरीब बन जाऊंगा, सो आई शुड सेव मनी, इसलिए मुझे पैसे बचाने चाहिए, बट आई एम रिच, लेकिन मैं अमीर भी हूं, सो इसलिए आई शुड सर्व द पुअर, इसलिए मुझे गरीबों का सेवा भी करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं सेंटेंस, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें,
और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना बोले। अगर हमसे कुछ और डिमांड है कि सर इससे नहीं, इससे अच्छा बताइए, कुछ अच्छा सलाह दे सकते हैं, कुछ कमी दिख रहा हो आपको इस वीडियो में, बिल्कुल कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, और यदि पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।